नमस्कार, मैं प्रिया, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। इन दिनों आईपीएल के दूसरे फेज के तहत मैच खेले जा रहे हैं, जिसके तहत टीम की जीत के साथ फ्रेंचाइजी की तो किस्मत बदल ही रही है। कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनकी किस्मत आईपीएल के कारण बदल गई है। किस्मत ने ऐसी पलटी मारी है कि एक सलून वाला आज करोड़पति बन गया है। जी हाँ, आपने सही सुना, वो कहते हैं ना, जब ऊपर वाला देता है तो छप्पड़ फार कर देता है। ऐसा ही कुछ हाल बिहार के मधुबनी जिले में देखने को मिला है। आईपीएल टूर्नामेंट ने बिहार के मधुबनी जिले के एक युवक की किस्मत बदल दी है। दरअसल अशोक नाम के इस युवक ने मोबाइल ऐप से ड्रीम इलेवन टीम बनाकर सैलून चलाने वाले अशोक ने यह कारनामा किया है। सबसे बड़ी बात तो यही थी कि इस मोबाइल एप्लीकेशन पर मात्र 50 रुपए लगाकर 1 करोड़ की राशि अशोक ने जीती है। हालांकि अब उसे 30% की कटौती के साथ कुल 70 लाख रुपए मिलने वाले हैं। इसको लेकर उसे आईपीएल की तरफ से भी आधिकारिक फोन कर दिया गया था। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि रातों रात करोड़पति बनने वाले अशोक का घर मधुबनी जिले में है। अशोक ठाकुर मूल रूप से अररिया संग्राम का रहने वाला है और काफी गरीब परिवार से ताल्लुकात रखता है। अंधरा ठाड़ी प्रखंड के ननौर चौक पर उसका सैलून है, जिसकी कमाई से ही वो अपने परिवार का पेट पालता है। वहीं इनाम जीतने वाले अशोक ने जब बातचीत की तो उन्होंने बताया कि उसने यह पहला इनाम जीता है। इससे पहले भी कई बार उसने टीम बनाया था, लेकिन कभी भी इनाम नहीं मिल पाया था। यह इनाम उसे रविवार की रात चेन्नई और कोलकाता के आईपीएल मैच में 50 रुपए लगाकर ड्रीम इलेवन टीम बना करके मिली है। इस इनाम के तहत उसे 30% की कटौती कर कुल 70 लाख रुपए मिलेंगे। इनाम जीतने का मैसेज भी आईपीएल की तरफ से भेज दिया गया है। साथ ही अशोक के साथ अधिकारियों ने भी बातचीत कर ली है। अशोक ने जो टीम बनाई थी, उस टीम में शामिल सभी खिलाड़ियों ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया, जिसके बाद ही वो करोड़पति बन सका। हालांकि रातों रात किस्मत बदलने की कल्पना अशोक ने भी नहीं की थी। यही कारण है कि जब अशोक को इस बात की जानकारी मिली तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। जीतने की खुशी में अशोक ने कहा कि उसे रात भर नींद ही नहीं आई। भले ही अशोक ने पैसे जीत लिए हो, लेकिन वो कभी भी अपने काम को नहीं छोड़ेंगे। इनाम के पैसे से वो पहले अपना कर्ज चुका कर घर बनाएंगे और अपने काम को और ज्यादा आगे बढ़ाएंगे, जिसके बाद हम अशोक ठाकुर के अच्छे भविष्य की कामना करते हैं। इसके साथ ही आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।